ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े शब्दों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम कर रहे हैं और प्रतिदिन हम मुरली का मंथन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे और 5 से 6 सहज राज योग कोर्स का मंथन कर रहे हैं। आप सभी भी उस मंथन में जुड़कर सहयोगी और साथी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक में लिंक को लेकर आप जुड़ सकते हैं। इसमें गूगल मीट का लिंक है और एक यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। इस प्रकार से हम सभी मंथन करके अपने को भी लाभान्वित करते हैं और अपने साथ संपर्क में आने वालों को भी इसका लाभ पहुंचता है और हमें इस बात को समझने में भी सुविधा मिलती है। और जब हम किसी बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो जीवन में धारण करना वो सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना समय अंतर्मुख रहने का मिले अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ करो, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि हम इस संसार में आ गए हैं तो हमें चारों तरफ भी ध्यान देना होता है। जब हम बाहर की बातों के बारे में सोचते हैं, ये करना है, यहां जाना है, ऐसे करना है, तो वह हम बाहर मुखी हैं। हमें बाहर मुखी रहना ही पड़ता है क्योंकि वातावरण देखना है, रास्ता भी देखना है, क्या काम हो रहा है वो भी हमको देखना है। बाबा कहते ये कोई योग नहीं है कि दूध उबल गया मैं योग में थी। हमें बाहर मुखी रह करके ही काम करना है क्योंकि हमें ये नहीं कि सामान खराब हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, उसकी तरफ से अलर्ट रहना है तो हमें बाहर के बारे में सोचना पड़े। इसलिए बाबा ने कहा जितना समय मिले, मतलब जब आपको बाह्य कोई भी कार्य करना नहीं है, बाहर मुखी ज्यादा नहीं होना है, तो आप अंतर्मुखी बनो। जरूरत नहीं है तो कछुए का मिसाल भी बाबा देते, जैसे वो अपने शरीर के अंगों को समेट लेता है, ऐसे आपने भी अपनी बुद्धि को समेट कर क्या करना है, अपने आप को अंतर्मुखी होना है, अपने आप को देखना है। हाँ, अपने आप को देखना है, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, मेरे में क्या क्या कमियां हैं, एक एक कमी को बाबा की श्रीमत पर कैसे निकाला जा सकता है। ये होता है अंतर्मुखी होना, अपनी कमियों को चेक करना और अपनी कमियों को निकालने के लिए मनन चिंतन करना। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप अंतर्मुखी बनो, बाहर मुखता में ना आओ। हम दूसरों की कमियां देखते रहते हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। हम उनकी कमियों को सुधार नहीं सकते, हम उनमें कोई परिवर्तन ला नहीं सकते। हम हमारे हाथ में मैं हूं, मैं उसको सुधार सकता हूं, मैं उसे सुधार नहीं रहा हूं और मैं दूसरों को सुधारने में लगा हूं। इसलिए बाबा कहते बाहर मुखी नहीं बनो, कि दूसरों को मत चिंतन करो। हम बैठे तो एकांत में हैं, हम बैठे तो बाबा रूम में हैं, परंतु हम सोच किन के बारे में रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो क्या हुआ, बाहर मुखी हुए। हम अंतर्मुखी तो हुए ही नहीं। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे
तब पाप तब तक पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि हम बाहर मुखी रहकर पाप ही करते रहेंगे। हाँ जी, हम कोशिश तो ये साधनी करते हैं, लेकिन ये नशा ना ये थोड़ी देर रहता है, जो जो दिन चढ़ता है तो नशा उतरता जाता है। हाँ, बाहर मुखी बनते जाते हैं ना, सवेरे सवेरे तो अमृत वेला अंतर्मुखी होते हैं, और बहुत सारे तो बाबा कहते बच्चे इतने अच्छे हैं, सवेरे सवेरे उठकर दूसरों के दोष अवगुण देखना शुरू कर देते हैं। उठते ही मेरा उससे वो जिससे भी उनको खुशी नहीं है, दुख है, तो वो उसी के अवगुण देखेंगे। अब सवेरे उठते ही उन्होंने अवगुण देखने शुरू कर दिए, तो बाबा इसलिए हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को, हमारी बातों को समझते हैं और जानते हैं कि इनको कैसे ठीक करना है। तो उसकी विधि आज इस मुरली में समझा रहे हैं कि अपने आप को अंतर्मुखी बनाओ, बाहर्मुखी नहीं, तब पाप कटेंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप को हमने श्रेष्ठ बनाना है, उस श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा पूछ रहे हैं कि हमें श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, क्या करें? किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए। हमने किसी के भी अवगुण नहीं देखने, हमने किसी के अवगुण नहीं देखने। तो बाप हमको समझाते हैं, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप में रहे, बुद्धि योग एक बाप में रहे। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं, इन बातों को सोचना ही नहीं कि वो क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं। बाबा को कंप्लेन करने के लिए भी बैठे होते हैं बाबा रूम में जाकर, बाबा देख मैं कितना उसका करती हूँ, मैं कितना उसको सहयोग देता हूँ और वो मेरे साथ ऐसा करती है, देख तू जरा सोच। तो कहता है बाबा मेरे को बताओ तो मैं आपको बता रहा हूँ या बता रही हूँ। तो बाबा रूम में जाकर के बाबा से शिकायत कर रहे होते हैं, अब क्या ये अंतर्मुखी हैं? इन बातों में जाने की दरकार नहीं, अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। क्योंकि जब हम बाबा से किसी भी आत्मा के प्रति हमारी जो शिकायत है, हमारी जो गुस्सा है, हम वो वर्णन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम फंस गए हैं ऐसे स्कूल में एडमिशन लेके भाई, हम बाबा से शिकायत भी नहीं कर सकते किसी की, ठीक है ऐसा स्कूल में पढ़ना, ऐसे स्कूल में पढ़ना ठीक है, बाप है हमारा, हम उसे शिकायत भी नहीं कर सकते। शिकायत करने जाओ तो क्या कहता है, न तू मुझे बताएगा, मेरे को पता नहीं है, तू मुझे क्या समझता है, तूने मुझे अभी तक तूने ही मुझे नहीं पहचाना कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर तुझे बताने की जरूरत क्या है, समझे से शिकायत करते। हाँ, मतलब तुम मेरे को क्या समझते हो, तुमने मेरे को पहचाना ही नहीं है ना। हाँ जी, हल्के होते हैं, बस ये है, हल्के हो जाते हैं, डांट खा के हल्के होते हैं, एक बार कह के बात कर पाएंगे, शेयर कर के हो जाते हैं, ये हमने शेयर नहीं करेंगे जब तक तो मन से निकल जाते हैं, तो आदत पड़ी हुई। चलो जो भी है देखो, हाँ जी, नहीं पाठ तो है, परंतु बाबा हमें कह रहा है कि मेरे से तुम शिकायत करने नहीं आओ, अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो, बस तुम किसी के अवगुण देखो ही मत बाबा, कभी तो याद रखो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की बात समझ में नहीं आई कि जो आत्मा कर रही है वो उसका पार्ट है, राइट है, ये तुम्हें मैं कब तक समझाऊंगा, ये तुम्हें समझ में नहीं आया, तभी तो तुम ऐसा कर रहे हो, तभी तो तुम्हें फीलिंग आई, तभी तो तुम्हें क्रोध आया, उस आत्मा ने जो कुछ भी किया वो उसका पार्ट था और उसका पार्ट उसने एक्यूरेट प्ले किया, उसमें वो गलती कर ही नहीं सकता, कोई भी आत्मा गलती नहीं कर सकती, फिर तुमने उसको गलत क्यों कहा? बाबा हमारा हमारे को एक एक बात से पहले से ही आगाह कर रहा है, पहले से ही सावधान कर रहा है, फिर हम उसको देख रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि इन्होंने देखो ये काम गलत किया, कैसे गलत किया, कभी भी पढ़ाई से रोशना नहीं, दूसरा पॉइंट है,
मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। क्योंकि रूठेंगे तो क्या होगा, अपना ही नुकसान होगा, किसी और का कोई नुकसान नहीं होगा। हम बाबा से पढ़ेंगे नहीं, और बाबा से पढ़ेंगे नहीं तो हम अपना भाग्य बना नहीं सकेंगे। इसलिए आज बाबा ने हमें मुरली के सार में विशेष अटेंशन खिंचवाया है, किसी को नहीं देखो, खुद को देखो और खुद को सुधारो। बस तुम्हारे हाथ में तुम हो, तुम्हारे हाथ में ये दुनिया नहीं है। तुम इस दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लो, वो मैंने ले रखा है। वो ठेकेदार तो मत बनो, तुम सिर्फ अपने आप को सुधारो। तुम सुधर जाएंगे तो तुम्हें देखकर सारी दुनिया सुधर जाएगी। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बोल, तुम्हारा कर्म उनको सुधारने के निमित्त बन जाएगा। ओम शांति। अभी ये है ज्ञान का क्लास। एक मिनट, फिर से सेंटेंस को बोलिएगा भाई जी, आपने जो बोला कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे बोल उसके सुधार बन जाएंगे, क्या बोले आपने? बाबा कहते, बच्चे याद रखें कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, मैं सुधरूंगा तो जग सुधरेगा। जब मेरा बोल सुधर जाएगा, मेरा व्यवहार सुधर जाएगा, मेरे कर्म सुधर जाएंगे, तो जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आएंगी उन सबको सुख मिलेगा ना। तो वो देखेंगे कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, हमें भी इन जैसा व्यवहार करना है, तो वो आपको देख करके वो भी अपने व्यवहार को चेंज करेंगे। क्योंकि आपका अच्छा व्यवहार उन्हें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करेगा, तो आप उनके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो ये याद रखना है कि मैं बदलूंगा, मैं सुधरूंगा तो जग भी सुधरेगा। जब तक मैं नहीं सुधरूंगा तब तक जग भी सुधर नहीं सकता। ठीक बात है? तुम्हारा हमने अपने आप को सुधारने का प्रयास करना है, और वो और तो अपने आप ही सुधर जाएंगे, और उन्हें अपने पाठ के अनुसार सुधरना है। नहीं भी सुधरे तो भी आपने कोई प्रश्न नहीं उठाना कि वो क्यों नहीं सुधर रहे, देखो मैं इतने समय से सुधर गया हूं। बाबा कहता है तुम सुधर जाओ तो वो सुधर जाएंगे। भाई वो सुधरेंगे अपने टाइम पर, तुमने सुधरना है अपने टाइम पर, तुमने पद पाना है अपने पुरुषार्थ के अनुसार, उन्होंने पद पाना है अपने पुरुषार्थ के अनुसार। क्यों टेंशन पाल रहे हो, क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, आप क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो ये सोचने पर? ओम शांति। ये है ज्ञान का क्लास। सेवा क्या चीज़ है? हां जी, दूसरों को ज्ञान देने से पहले, बाबा कहते ज्ञान देने से पहले खाली सुनाने वाले नहीं बनो, अपने जीवन में धारण करके फिर उनको बताओ। और ज्ञान देने से पहले ये भी ध्यान रखो कि मैं निमित्त हूं, उसने मानना है या नहीं मानना है, ये उस आत्मा का पार्ट है। मैंने तो हाँ अपनी स्थिति अपनी, अब मैं इतने टाइम से इसको भाषण कर रहा हूं, बोले जा रहा हूं, और ये कहता मेरे मैं नहीं सुनना चाहता। बताओ मैं तो इनका कितना भला करना चाहता हूं, ये सुनना ही नहीं चाहता। और या वो सुन नहीं रहा, बेकार की बहस किए जा रहा है। बाबा कहते नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, आपने अपना काम कर दिया, आपने बीज डालना था बीज डाल दिया, अब उस आत्मा का पार्ट है, अब तुम्हारा सोचने की जरूरत नहीं है, वो उस आत्मा का पार्ट है। आपने अविनाशी बीज डाल दिया है, वो कभी ना कभी फूटेगा, इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए आप अपना पाठ करते रहो ना, आपको अपना पाठ बजाने के लिए बाबा ने मना नहीं किया, परंतु अपनी बुद्धि में उसके ऊपर असर ना होने पर आपकी अवस्था खराब नहीं हो।
मतलब आपकी अवस्था खराब हो जाती है कि मैंने इतनों को समझाया एक भी नहीं रुकता, क्या फायदा है, मेरे को सेवा करनी नहीं है, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे को समझाना नहीं आता होगा इसलिए हम, हमारे से कोई सुनता नहीं, हमारे पास कोई रुकता नहीं। मतलब या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो जो है ना क्रोधित हो जाते हैं, मतलब दोनों अवस्थाओं में उन्होंने समझाना छोड़ देना है या अपने आप को ही गिरा देना है। बाबा कहते तुम अपने स्व परिवर्तन में लगे रहो, अपनी कमियों को चेक करके ठीक करने में लगे रहो, उनको तो हो जाएगा, उनकी चिंता मत करो। आपने अपने आप को सुधार लिया तो आपके सुधरने से वो सुधर जाएंगे, वो काम अपने आप हो जाएगा। ये है ज्ञान का क्लास। अब हम बैठे हैं बाबा से मुरली सुनने के लिए, ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे है योग का क्लास। कौन सा है योग का क्लास? जो हम अमृत वेले किया, हाँ वो है योग का क्लास, और ये है हमारा ज्ञान का क्लास। योग के योग कौन सा? बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योगी हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, ये है राजयोग, जो परम पिता परम आत्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे, राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है, भगवती भगवान है। लक्ष्मी नारायण को कभी कभी कहते हैं बाबा भगवती भगवान है, कभी कहते हैं नहीं है, क्या चक्कर है बाबा का, कभी क्यों है कभी क्यों नहीं है लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती, कभी कहते लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कह सकते। आप समान बनाते दो हैं, वो से जान गिरना शुरू हो गया। हाँ, आप समान भगवान भगवती बनते हैं। किस में आप समान बनाया शिव बाबा ने उनको? आप समान शिव बाबा ने लक्ष्मी नारायण को किस में बनाया? शिव बाबा तो विश्व महाराजा महारानी नहीं बनता, लक्ष्मी नारायण तो बने, परंतु वो बाप समान तो नहीं हुए ना। बाप समान किस में बनाया, किस चीज में शिव बाबा ने लक्ष्मी नारायण को अपने समान बनाया? गुणों में। कौन से गुणों में? गुणों की धारणा करने में। तो देवी गुणों को धारणा करके ऐसा कौन सा लक्ष्मी नारायण में परिवर्तन आया था जो उन्हें भगवान भगवती कहा गया? हाँ, परमात्मा प्रकृति का, भगवान का, भगवान का कंट्रोलर बनते हैं। प्रकृति भगवान को कहा जाता है। भगवान का मतलब होता है भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। जो इन पांच तत्वों को कंट्रोल करता है वो भगवान है। परमात्मा इन पांच तत्वों को कंट्रोल करके आते हैं वो भगवान है। तो लक्ष्मी नारायण भी उस स्टेज पर पहुंचते हैं, कृष्ण की आत्मा भी उस स्टेज पर पहुंचती है, पांचों तत्वों को कंट्रोल करती है, उस समय उसे कहा जाता है भगवान भगवती। परंतु जब वापस वो अपने शरीर में आकर उसको पार्ट बजाना शुरू करती है तो उसे भगवान भगवती नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उस शरीर के प्रभाव में आ गई। जब कोई किसी के प्रभाव में आ जाता है, जब वो किसी और के प्रति आकर्षित है, तो वो उसको आकर्षित नहीं कर सकता, वो आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता। भक्ति मार्ग में फिर वो कहते तो हैं कि भगवान ही बाग वो करता है सब कुछ, प्रकृति उन्हीं का हाथ में है। नहीं, परमात्मा पर आंतरिक प्रकृति क्या होती है? ये एक वीडियो में दीदी बता रही थी कि उषा दीदी की आंतरिक प्रकृति यानी कि कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करके पहले स्व के ऊपर कंट्रोल किए, फिर बाह्य मुक्ता में
बाह्य प्रकृति अपने आप धीरे धीरे अंतर जो इसको हम आंतरिक प्रकृति कह रहे हैं, वास्तव में ये हमारे जो मन से हमने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया, हम अपने मन बुद्धि संस्कार इनको बाबा की श्रीमत से बनाना, इसको आंतरिक प्रकृति कह रहे हैं। ठीक है, हम स्वयं को जो बाबा की श्रीमत पर बैठकर समझाते हैं, क्योंकि पहले तो संकल्प आता है ना कि ये खाऊं, ये करूं, इधर जाऊं, ये संकल्प मन का है। अब ये संकल्प को हमने पहले कंट्रोल किया, हमने स्वयं पर कंट्रोल किया, स्वयं पर नियंत्रण किया, तो फिर ये प्रकृति तो अपने आप नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि मेरी अवस्था ही तो इसको कंट्रोल करती है। मैंने समझ रखा है कि मैंने ये नहीं खाना तो नहीं खाना तो नहीं खाना, तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फैसला तो मैंने करना है ना। अंतर्मुखी बन के मैंने अपने आप को पावरफुल बनाया, तो बनाना सिखा रहा है। तो नारायण भी, लक्ष्मी नारायण भी अंतर्मुखी बन के ही पर इस प्रकृति को, ये जो स्थूल प्रकृति है, ये जो पांचों तत्व की बनी हुई दुनिया है, उसको कंट्रोल करना सीखती है। और इतना सीखती है जैसे परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आते परंतु प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। इसी प्रकार से बाबा कहते, मेरी तरह तुम भी रोज आना, इस शरीर में आओ, पाठ बजाओ, अलग हो जाओ। क्यों पड़े रहते हो इस शरीर के अंदर, क्यों इसके द्वारा भोक्ता बनते हो, अभोक्ता बनो, अभोक्ता बनो। तो ये बात बाबा सिखाते हैं। तो ये बात कृष्ण की आत्मा या नारायण की आत्मा इस सिद्धि को प्राप्त करती है कि वे भी परकाया प्रवेश करे परंतु उसको भोगे नहीं, अपने शरीर के बिना रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दादी के तन में आए, दादी के तन में आए। अब शिव बाबा दादी के तन में आकर के भी अभोक्ता रहे परंतु ब्रह्मा बाबा की आत्मा भोक्ता रही, क्योंकि उन्होंने भोग को स्वीकार किया और खाया दादी के तन के द्वारा, स्वाद लिया ब्रह्मा बाबा ने और मिला किसको, दादी। ब्रह्मा बाबा शरीर ही नहीं है तो स्थूल टेस्ट उन्होंने लिया। शिव बाबा तो टेस्ट भी नहीं लेता, कोई वासना भी नहीं लेता, ये सिर्फ भक्ति मार्ग के बच्चों को भावनात्मक तरीके से समझाने के लिए कहा जाता है। तो मतलब ब्रह्मा बाबा भी जब इस अवस्था में आते हैं वो भी टेस्ट नहीं लेते, तो वो स्टेज होती है उनकी टॉप स्टेज। और तब उसके बाद दोबारा शरीर लिया, पाठ बजाया और पतित होना शुरू। तो तब उन्हें भगवान भगवती नहीं कह सके। आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही देह को लिया, देह के संबंध में आए, वैसे ही गिरना शुरू हो जाते। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती है, राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया का बीच। यह है संगम युग, एक तरफ है पुरानी दुनिया और एक तरफ है नई दुनिया, पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं, नई दुनिया में नई आत्माएं। नई दुनिया में क्या होती है, नई आत्माएं देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। बल मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य बल है मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए उन्हें देवी देवता कहा जाता है। पवित्रता भी रहती है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं
काम महाशत्रु है, ये रावण का पहला पहला भूत है, रावण का पहला पहला भूत है काम। कोई बहुत क्रोध करते हैं, कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भौं भौं क्यों करते हो, ये दो विकार बड़े शत्रु हैं, लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे, क्रोध के लिए भौं भौं कहेंगे, लोभ और मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, लोगों को है साइंस का घमंड और उसके कारण उनको क्रोध कितना है, ये भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि, काम का भूत है वो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, एक दो पर। हाँ जी, भाई हमारे पास एसी है, कूलर है, हीटर है, ठंड गर्मी सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या भगवान की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं जा सकता, हमारे पास इतने साधन है, स्वर्ग है हमारे लिए, हमारे हमारे पूरे घर के अंदर कंट्रोल एसी, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, सेंट्रल एसी बोलते ना, हर जगह एकदम वातावरण वही, गर्मी हो तो भी वही, सर्दी हो तो भी वही, दुनिया में कुछ भी होता रहे वहां के वातावरण में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बारिश आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, हमने भूकंप रोधी मकान बना लिया है, हमारे मकान में भूकंप नहीं आ सकता, गिरेंगे तो सारे भूकंप नहीं, हमारा जो भूकंप रोधी सिस्टम से बनाए जाते हैं वो भूकंप आएगा तो वो नहीं गिरेगा, बाकी मकान गिरेंगे, मतलब उनको उन्होंने टेक्निक निकाली है, परंतु उस टेक्निक को बनाना भी जो है ना आसान काम नहीं है, फिर भूकंप आता है, भूकंप रोधी मकान कैसे हुआ, मतलब उस जापान के अंदर ये नहीं, बंकर अलग है, बंकर वहां पर मकान इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि भूकंप आए तो इतने तक भूकंप आए तो उसको वो सहन कर लेंगे, परंतु तो उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर गिरेगा गिरेगा। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है, तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई भी बतला नहीं सकता, सच्चा रास्ता कोई भी बतला नहीं सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो, तुम बच्चे ही क्या कर सकते हो, बता सकते हो। बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर उनका ध्यान नहीं है, थप्पड़ मारते साथ साथ। यदि तुम किसी और को समझा नहीं सकते हो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहां भटकता है, युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर ना चाहते हुए भी आएंगे, मन के अंदर तूफान ना चाहते हुए भी ढेर के ढेर आएंगे, इसमें मूझना नहीं है, इसमें मूझना नहीं, क्या करूं, मेरे को बहुत तूफान आते हैं, कई बच्चों की बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है, भक्ति में हमें इतने दुख, इतनी शिकायतें नहीं होती थी, इतने विकारी संकल्प नहीं आते थे जितना अब आते हैं, ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है आम भाई बहनों का, मतलब क्यों आते हैं, क्योंकि जब बीमारी निकलने पर आती है तो वो बढ़ते हैं, तो उनकी तरफ से हमें बेपरवाह होना है, हमें उनका चिंतन नहीं करना है, हम जब चिंतन करते हैं तो फिर और ज्यादा आते हैं, हमने उसके बारे में सोचना नहीं है,
क्योंकि हमने अपने आप को कोई भी ऐसा दृश्य, ऐसी बातें सुनने वालों के साथ बैठना ही नहीं है, ऐसी बातें सोचने भी नहीं है। और सोचने के लिए आए तो उसको रोकने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुद्धि को काम दे दो, बुद्धि को काम दे दो, भाई ये सोचने के लिए पड़ा है, ये काम पहले करना है, ये बाद में हो जाएगा। घर में होता है ना, इंपॉर्टेंस दो कि इस काम को करना जरूरी है, उस काम को सोचने की जरूरत नहीं, पहले इधर सोचो। तो जब आप उसे किसी काम में बिजी कर देंगे तो वो ख्यालात अपने आप बेचारे वेटिंग रूम में चले जाएंगे, चलो जब इनको काम से फुर्सत मिलेगी तो फिर हम आ जाएंगे। फुर्सत दो ही मत, हर टाइम बाबा की श्रीमत पर अपना चिंतन मनन वर्णन होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं हो तो ऑटोमेटिक वो वेट करता करता पीछे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसको बाबा कहते माया देखती है, ये मेरी तरफ देखता नहीं, मेरी सुनता नहीं, इसने तो बस एक उससे बाबा को पकड़ रखा है, चलो ये नहीं सुनता तो छोड़ो इसको, चलो कोई और के पास जाए। इसमें मूझना नहीं है, योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। देह अभिमान में रहेंगे तो बातचीत करेंगे, सुनेंगे, कहेंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे, बस हमें वो समझाना है जो बाबा हमें समझा रहा है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाप ही शिक्षा देंगे कि बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है, भल कहां बार मुखी होना भी पड़े, आपको किसी से बात करनी भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना है। जैसे बात करने तो बात करो, तो ऑफिस की नौकरी करनी है, दुकान पे जाना है, कुछ भी करना है, घर के काम करने, दूसरों के साथ व्यवहार में आना है, तो वहां बार मुखी बनो, परंतु तो जितनी देर पाठ खत्म हो तुरंत अब क्या बन जाओ, अंतर्मुखी बन जाओ। हाँ जी, हाँ कछुए की तरह, तभी पाप कटेंगे, नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबर वार हैं, जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा टॉप पर भी पहुंचा, फिर एकदम तमो प्रधान भी बना। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। बैगर किसे कहते हैं, याद है किसी को, जिसके पास हाँ, जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं, कैसे बर्बाद करने पे तुला है बाबा हमें, कहते कुछ भी तो ठीक है नहीं, कहते कुछ भी नहीं तो बारा बताओ, सारा हमने कमाया धमाया, अब कहते हैं इसको को कुछ भी नहीं। पहले बाबा ने आपको करा आप करो, कहते हैं यूज भी तो करो, नहीं करो। हाँ अच्छा लगता है, चलो ऐसी बर्बादी भी अच्छी है, बोला ये भी हमारे लिए आबादी है, बोला इसको हम बर्बादी नहीं कहेंगे, अच्छा लगता है तो, बुरा लगे तब बर्बादी है, अच्छा लगे तो आबादी है। जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में भी हमें आएंगे, जो पहले आए हैं वो लास्ट में भी आएंगे, क्योंकि जो टॉप पर चढ़े वो बॉटम में भी आएंगे। जो पहले आए हैं यदि ज्ञान लिया है छोड़कर चले गए हैं तो आखिर उनको आना है। कहा जाता है ना, उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मतलब पानी का जहाज के साथ यदि कोई पंछी समुद्र में चला गया, अब वो जहाज से उड़ के जाए तो उसको चारों तरफ तो पानी पानी है,
उसको आखिर आना कहाँ पड़ेगा, जहाज पर ही आना पड़ेगा, कितना भी वो उड़ ले। तो ऐसे ही परमात्मा कहते, बाबा कहते, बच्चे कहीं भी भटक लो, कहीं भी चले जाओ, इस संसार सागर में सिवाय मेरे तुम्हारे और कोई सहारा नहीं है। तुमने आखिर आना तो इसी जहाज पर ही है। कहीं भी जाएं तो आगे या वे पिछाड़ी में आएंगे, जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे, या पहले आए हैं पिछाड़ी में आएंगे में। जैसे ब्रह्मा बाबा को ऊपर जिक्र किया कि वो शुरू में आए हैं, सतो प्रधान बने हैं, तो तमो प्रधान भी पहले ज्यादा से ज्यादा वो बनेंगे। तमो प्रधान भी नीचे आना, मतलब बॉटम में आना, तमो प्रधान बनना। हाँ जी, कैसे? वो बाबा का लड़का नहीं था लौकिक में, नारायण नारायण बहुत नाम। अच्छा, वो पहले पहले बाबा को नहीं मानता था, बाबा को बिल्कुल नहीं मानता था, और हमने देखा डायमंड हॉल में हमारे सामने वैसे रो रहा था खूब जोर जोर से। मिलते मैंने बाबा को महत्व नहीं दिया, इनको महत्व नहीं दिया। मतलब वो तो समझ में नहीं आया, उसका पार्ट था, उसने शादी करनी थी। मतलब जो बाबा का ज्ञान जिन्होंने ले लिया, अविनाशी ज्ञान जिनके मुख में, जिनके जिस आत्मा में एंटर कर गया, वो तो विनाशी तो है नहीं, वो आएगा आएगा। आना सबको है, आना सबको है। हर भाई जी समझ गया, चाहे वो नारायण हो या कोई और भी भाई बहन थे जो छोड़ के चले गए, वो बाद में आए थे नहीं, ऐसा कोई नहीं है थे नहीं। अब हमारे सामने गुलशन भाई बैठे हैं बाबा के टाइम के, बीच में इनका पार्ट था, इन्होंने शादी की, अब फिर वापस आ गए, कहाँ जाएंगे? जहाज का पंछी उड़ के कहीं भी चला जाए, आना तो फिर वही है ना, थे नहीं? तो ऐसे ही पार्ट है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और पार्ट के अनुसार बाबा वही कह रहे हैं कि कहां जाएंगे। आना तो यही है, दुकान तो यही है, हट्टी तो यही है। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं, जो पहले पहले पवित्र बने सबसे ज्यादा, वो फिर पतित भी बनेंगे पहले आकर के। जिसको हमने, जैसे क्या होता है कि ब्रह्मा बाबा सबसे पतित 100% पवित्र बना, तो वो भी वही आकर के 100% पतित भी बनाना, तमो प्रधान भी बनाना। अब जो 80% पवित्र बना है तो 80% ही आकर के पतित बनेगा ना, वो भी जीरो पर आना ही आना है। पर तो उसको आने का, जीरो पर तो सभी को आना है ना, चाहे 60% वाली आत्मा है उसको भी जीरो पर आना है, 50 वाली है, 40 वाली है, 10 वाली है, हर एक आत्मा को जीरो पर तो आना ही आना है ना। तो सबसे ज्यादा पतित बनना किसको पड़ा, गिरना किसको पड़ा, जो सबसे पहले पावन बना उसको ज्यादा ही गिरना पड़ा। और जो 40 वाला था, 40 देखो बात सारी क्या होती है कि यदि कोई ईमानदारी से कमाए तो रोटी खा सकता है, और लाइविश लाइफ जीने के लिए कहीं ना कहीं, अब यदि वो हीरा बेचने जाते थे तो हीरा इंग्लैंड बेचने के लिए गए हैं इतना ज्यादा दूर तक, तो जो सारा खर्चा किससे निकालते थे? जब बिजनेस की बात आती है, जब लेविस लाइफ की बात आती है, तो वहां हमारे पास आ जाता है, तो जरूर उन्होंने अमीरों को लूटा ना, इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली, अमीरों को लूटा ना, शादी की ना, विकार में गए ना, पतित पन्ना और क्या है? तो जहां पर मतलब कहने का है कि ब्रह्मा बाबा के लिए भी बाबा कहते कि सबसे बड़ा पतित भी यही बना, और फिर पावन भी यही बनता है। इसको 100 से जीरो पर आना पड़ता है, तो किसको पतित ज्यादा बनना पड़ा? जो ज्यादा पावन था। अब जो है 60%, उसे 60% से गिरना है ना। अब एक 10 मंजिल से गिरे और एक मंजिल से गिरे, किसको चोट ज्यादा लगेगी, कौन ज्यादा गिरा?
ये बाबा हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। आप यदि ये प्रश्न ना पूछे, हम बैठकर इसका मंथन ना करें, तो इतनी गहराई में हम ना सोच सके। जब हम प्रश्न करते हैं, जब हम विचार करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो सबसे पहले पावन बना, इतनी मेहनत करके टॉप पर गया, 100% पवित्र बना, और 100% पवित्र से वो नीचे जीरो पर आया, और जो 60 पर गया वो जीरो पर आया, 10 पर गया वो जीरो पर आया, जो 1 पर गया वो भी जीरो पर आया। किसको गिरना पड़ा? कौन ज्यादा पतित बना? किसको ज्यादा चोट लगेगी? मतलब ये, हाँ, मतलब बाबा कितना, मतलब जो है ना, बातें अच्छी तरह से समझा के जाते हैं। जीरो पर लास्ट में क्यों जाएंगे? जीरो पर तो सबने पहुंचना है। अब जीरो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, जब दुनिया कितनी उत्तम प्रधान को, ब्रह्मा बाबा ने शरीर भर छोड़ दिया, हमारा शरीर छोड़ने से तो कोई मतलब नहीं है ना। जीरो पर आना मतलब उत्तम प्रधान था दुनिया में, या हमारी आत्मा में, या हमारे विकारों की वो उसकी बात है ना। जीरो पर आने का मतलब तो वही है ना, ये आपको लगता है कि देखिए पेपर तो उनके सामने कोई काम नहीं आए, कोई पेपर ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा बाबा के सामने ना आया हो, कोई पेपर ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के सामने पेपर ना आए तो ये आपको सिखाए कैसे? जिसने पेपर को फेस नहीं किया वो टीचर कैसे बनेगा? लेकिन आज की तमो प्रधान का, आज की जनरेशन, आज के माहौल में उन्हीं सबको एडजस्ट करना उसमें और बाबा के टाइम। मेरे भाई तमो प्रधानता जीरो पर हर एक आत्मा को उतनी मिलनी है। आज भी आप देखेंगे दुख व सुख का हिसाब किताब अलग है। दुख व हिसाब सुख का हिसाब किताब है, हमने जितना दुख दिया है उतना लेंगे, परंतु इससे बड़ा यदि कोई फील करे तो इसको फील कर सकता है कि जिसके पास खाने के लिए, अपने भाई बहनों को खिलाने के लिए, हेड होने के बाद घर में खाना नहीं है, भोजन बनाने के लिए नहीं है, आप फील करे तो कोई इसको इतना कितना फील कर सकता है, और कोई फील ना करे तो इसको कुछ भी ना करे। तो ये सारी बातें आती हैं कि इतना बड़ा परिवार के अंदर आपके, आप यदि अपने आप को घर का मुखिया समझे, और परिवार में आपके पास नाश्ते में बनाने के लिए कुछ नहीं है, लंच में बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो ये सारी बातें महसूसता पर है। मतलब हमें इसको नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि आत्मा तो आज कितने हैं लोग हैं, जो शराब पीता है उसको पता है मेरे पास कुछ नहीं है, वो जाके चोरी करता है, अपने घर का सामान उठाता है और बाहर बेच करके शराब का पोच लेकर के पी के पड़ा रहता है। फिर होश आती है तो फिर कुछ देखता है, अपना घर में कुछ नहीं मिलता तो बाहर के घर से भी उठा के बेच करके खाता है, उसको काम है बस मुझे। अब ये किसको कहोगे? वो फील ही नहीं कर रहा, वो अपने आप को शहनशाह समझता है, मेरे से बड़ा अमीर कोई नहीं है। मतलब ये सोच की बात है, बात सिर्फ हमें संक्षिप्त में समझनी है। हमने अपने दुखों को, अपना हर एक को अपना दुख बड़ा दिखाई देता है, दूसरे का छोटा दिखाई देता है। हमें बहुत क्लियर समझना है कि ब्रह्मा बाबा भी तमो प्रधान बने, 100 से 0 पर आए, तब परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लिया, और हर आत्मा को चाहे वो कितनी भी परसेंट वाली थी, वो जीरो पर आती है तब वो परमात्मा के संपर्क में आती है। वो जीरो पहले, इसलिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया है। आप ये क्वेश्चन ना करते तो एक और बात हमें समझ में ना आती, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं, वो जीरो पर पहले पहुंचा। अब जो देर से आए हैं वो जीरो पर बाद में पहुंचेंगे ना, और जो उससे लेट आए हैं वो जीरो पर बाद में पहुंचेंगे ना, क्योंकि जितना काम उनको सुधरने के लिए टाइम भी तो कम चाहिए,
अब ब्रह्मा बाबा को 0 से वापस 100 तक जाने के लिए भी मेहनत यही करनी थी। अब जिसको 60 से आया है उसको 0 से 60 तक जाने की भी मेहनत यहाँ करनी है, जो 1 से आया है वो 1 से 0, 0 से 1 जाने की मेहनत करनी है। तो फिर बाद वाला जो समय आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा पहले अव्यक्त हो गया, हम तो अभी तक बैठे हैं, हम तो अभी तो दुखी हो रहे हैं, और हम तो हमें को तो समय थोड़ा मिला है। एक नंबर वाले को तो टाइम कम मिलेगा ना, उसने 0 से 1 तक जाना है, और जिसने 0 से 100 तक जाना है तो उसको आगे वाला, मतलब आपने बात किया तो ये बात भी हमें अच्छी तरह समझ में आई ना, इसी को तो कहते हैं मंथन ना। यदि आप बात नहीं करेंगे, कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछेगा, किसी के मन में कोई अस्पष्टीकरणता नहीं आएगी तो आंसर भी नहीं निकलेगा। अब जितना अच्छी तरह हमें अब बात समझ में आ रही है, इतना अच्छे जब मुरली शुरू की थी तब तो नहीं आई थी ना। तो ये बातें आपस में करने से, पूछने से ही स्पष्ट होती है। वाह हां जी, भाई जिस तरह से आप ये बोल रहे हो ना कि उन्होंने जैसे लूटा अमीरों को, इतना डिस्कशन तो कभी सेंटर में हुआ ही नहीं। 25 नाम पे सिर्फ इतना बोला जाता है कि दोनों ने भी शादी की। नहीं, शादी की मतलब बात सारी वो बातें ठीक है, मेन मतलब कि जब हम किसी चीज को करते हैं तो हमें समझ में आता है ना, जब तक करेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा तमो प्रधान भी ये बना, तो जब तमो प्रधान बना है तो बना है, उसमें कोई बात ही नहीं। बाबा लाइन देखो ना, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं, ताकि उनको पावन बनने का टाइम भी चाहिए, ठीक है ना। अब जो कम पतित थोड़ा ही पावन बनना है तो उसको बनने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए वो देर से आएंगे और थोड़े समय में अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हर एक ने प्राप्त तो अपनी मंजिल करनी है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कितना मतलब उनकी अवस्था, ब्रह्मा बाबा की अवस्था को। हाँ बिल्कुल, तो मतलब ब्रह्मा बाबा को ये अवस्था देखी ना उन्होंने, तो उनके सामने हर प्रकार के पेपर आए, एक पेपर एक प्रकार का पेपर नहीं है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ो, समझो, अनुभव करो। बाप कहते मैं भी आता ही हूं, बाप कहते मैं भी आता ही हूं इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वान प्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वान प्रस्थ अवस्था है। अब वान प्रस्थ अवस्था क्या होती है, जब हमारा हिसाब किताब बराबर होने का टाइम आ जाए तब हमारी वान प्रस्थ अवस्था होती है, वाणी से परिस्थित होने की अवस्था, परम धाम में जाने की अवस्था, कि अब घर जाना है, तब परमात्मा उनसे मिलेंगे और उन्हें वानप्रस्थ में ले जाएंगे। बाकी जिनका अभी तक वानप्रस्थ में जाने का समय नहीं हुआ वो बाबा से मिले क्यों, मिले क्यों, अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जब उनका हिसाब किताब पूरा होने को आ गया कि बस अब थोड़ा सा रह गया है, अब तैयारी करो घर जाने की, जब उनकी तैयारी करो घर जाने की तो उनको बाबा मिलता है, घर जाने का रास्ता समझाता है। जब तक उनका घर जाने का समय नहीं आया तब तक उनको समझाना नहीं, और उनको समझना थोड़ा है तो उनको लेट मिलेंगे, जिनको समझना ज्यादा है उनको जल्दी मिलेंगे। का मतलब बाबा का जो ज्ञान है ना वो बहुत बहुत कंसेप्ट जो है ना क्लियर करने वाला है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व का सदगति दाता, सबको सदगति देने वाला है वे हो। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना, बोलो। जैसे कहते हैं ज्ञान उसी को मिलता है जिसका भक्ति का फल है ज्ञान। हाँ ठीक है ना, जिसकी भक्ति पूरी हो जाएगी उसको ज्ञान मिलेगा, राइट। पर कई लोग तो
गलत कुछ नहीं हुई। अब ऐसा होता है कि उनका देखिए उनका अभी भक्ति का पाठ पूरा नहीं हुआ, ज्ञान का बीज तो डल गया, परंतु ज्ञान के बीज ड्रामा अनुसार डलना है जिस समय जिसके पार्ट में डलने का है। अब कोई बीज पहले बो दिया जाए अभी उसका समय ना हो तो वो फूटेगा तो अपने समय पर ना फूटने नहीं 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 ये बात नहीं है। भक्ति का फल ज्ञान है और ज्ञान मिलेगा तो उतना ना। अब कितने भगत भक्ति कर रहे हैं उनको अभी ज्ञान नहीं मिला, कितने भगत ज्ञान लेकर के फिर वापस भक्ति में चले जाते हैं और फिर जब भक्ति का पाठ पूरा हो जाता है ज्ञान मिला हुआ रुका हुआ है ना, अविनाशी बीज डल गया ना, अविनाशी बीज डल गया है, जब भक्ति का पाठ पूरा होगा फिर आकर के उसका बीज वो अंकुरित होगा, फिर वो अपने जीवन में डेवलप करेगा। तो ये रुकावटें हर्डल्स जो है ना अलग अलग है, हर एक आत्मा के लिए अलग अलग है। किसी को पेपर ज्ञान में चलने से पहले आते हैं, शुरुआत में आ जाते हैं, और कोई ज्ञान में पीक पर पहुंच करके पेपर देना शुरू करता है, उसके पेपर लास्ट में आते हैं। हाँ जी, जैसे कि जो कोई आत्मा लास्ट आती है मगर ज्ञान में फास्ट चलती है उसका क्या होता है? देखिए जित मेन बात है कि रिजल्ट क्या तैयार किया उसने अपने लिए। अब एक बच्चा शुरू में एडमिशन लिया पर धीरे कछुए की चाल धीरे 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 पढ़ता आया, आकर के उसने 100 नंबर लिए, और एक लास्ट में आया उसने अच्छी तरह मेहनत करके 100 नंबर लिए, तो सर्टिफिकेट तो बराबर मिलेगा ना। डिपेंड करता है कि कौन फास्ट पुरुषार्थी है कौन स्लो। फास्ट और स्लो करके अपने नंबर ले सकते हैं, इसलिए बाबा ने लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट शब्द प्रयोग किया कि कोई मेहनत करके चाहे तो लास्ट में आकर के भी फर्स्ट जा सकता है। और ये पोजीशन लगभग उन्हीं के साथ होगी जो मैं समझ पा रहा हूं, जो शुरू शुरू में आदि में आए ज्ञान लिया और किसी कारणवश छोड़कर चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपना जितना समय पाठ बजाना था बजाया और आखिर में आ करके तेज गति से अपने कवर कर लिया, क्योंकि हिसाब तो पूरा करना है, कार्मिक अकाउंट भी बराबर करना है और अपनी मंजिल को भी प्राप्त करना है। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना फास्ट कितना हाईएस्ट पीक पर पहुंचता है धारणा में और व्यवहार में प्रैक्टिकल प्रयोग में। वे होती है पुरुषोत्तम संगम युग पर, सदगति सबकी जो है ना बाबा करते हैं, और सबकी सदगति कब होती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए, जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है, बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंत काल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। तो जो गीत का वा श्लोक अच्छे अच्छे हैं जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है वे रखने चाहिए। एक मुरली में बाबा ने, मैं सोचता था बस पुरुष के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि पुरुष ही सोचते हैं, मतलब बाबा ने मुरली में स्त्री के लिए भी कहा कि यदि कोई स्त्री भी इस विकारी संकल्प को रखती है तो उसके साथ भी ऐसा होगा। हम एक जन्म पुरुष बनते हैं एक जन्म स्त्री बनते हैं, तो हमने विकारी संकल्प किए तो हमारा विकारी जीवन बनेगा। जैसे छी छी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ। ये भजन है बाबा कहते, ये गीत बनाए बेशक किन्होंने हैं जो संगम युग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, परंतु इन गीतों को अपने पास रखना चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे, सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं, जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, परमात्मा आएंगे एक को तो रास्ता नहीं दिखाएंगे ना, सबको रास्ता दिखाएंगे ना। ये है उनकी शिव शक्ति सेना, ये क्या है? उनकी शिव शक्ति सेना। श्री मत पर नई दुनिया की स्थापना,
तुम भी राजयोग सीखते हो। अच्छा, श्रीमद पर नई दुनिया की स्थापना, और तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय दूसरा कोई सिखा ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंचते ऊंच तो एक बात ही है जो तुमको पढ़ाते हैं, ये भी तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वे है हठ योग, राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। ये लाइन थोड़ा सा समझने वाली है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते, राजयोग से दोनों मिलते हैं, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। हठ योग से मुक्ति तो मिलेगी परंतु जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो सबको मिलेगी, चाहे वो राजयोग सीखें या ना सीखें, हठ योग सीखें ना सीखें। मुक्ति तो सबको मिलनी है, कर्मों का हिसाब किताब तो सबने बराबर करना है, कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ तो मुक्ति। और बाकी जीवन मुक्ति वो बाबा की श्रीमत पर ही मिल सकती है, वो तो सहज राजयोग के द्वारा ही मिल सकती है। हठ योग से स्वर्ग की राजाई तो नहीं मिल सकती। वो है हठ योग जो परंपरा से चला आता है, पुराना है ये राजयोग। ये पुराना कैसे हो गया राजयोग? हठ योग वो बहुत दुनिया पहले से करती आ रही है, कैसे राजयोग तो अब आया है, कैसे मुझे ये तो बताओ। हाँ जी, हर 5000 साल बाद हठ योग वाले भी चलते, अपने टाइम पर आते हैं। राजयोग भी अपने टाइम पर आता है, हठ योग भी अपने टाइम पर आता है। और राजयोग नहीं, हठ योग भी द्वापर से। देखो घड़ी के अंदर हम किसी भी समय को तो पहले नहीं कह सकते ना, परंतु बाबा कहते पहले कौन सा चला? पहले संगम युग आता है बाबा के। राजयोग इसलिए पुराना है कि हमें अब पता चल गया कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने सिखाया था, लेकिन ये बात सन्यासियों को नहीं पता कि हठ योग पहले चला था, वो द्वापर से ही समझते आ रहे हैं। और हमें पता है कि हमारा 5000 वर्ष पहले, वो कहते हैं हमारा जो हठ योग है ये तो अनादि काल से चला आ रहा है, उनको ये उन सबको पता है। वो कहते सबसे पुराना हमारा है, हम ही है, क्योंकि लिखित किताब उनकी अवेलेबल है। बाबा आके समझाते बच्चे, मैं आकर सबकी चढ़ती कला करता हूं, सबको सुधार देता हूं, उसके बाद तुम गिरते हो। वो गिरती कला में तो सारे गिरेंगे गिरेंगे, कल्प कल्प मैं ही आकर चढ़ाता हूं, मैं ही आकर तुम्हें पावन बनाता हूं, मैं ही आकर गीता का ज्ञान सुनाता हूं, उसके बाद तुम गिरना ही शुरू करते हो, क्योंकि मेरा काम है ऊपर चढ़ाना और गिरना तुम्हारा ऑटोमेटिक नूंद है ड्रामा में। मेरा काम है चढ़ाना, तो चढ़ाने के बाद गिरना है। नए के हाँ पुराने और नए की बात के लिए यह है कि मैं आकर जो गीता का ज्ञान सबको देता हूं, वो गीता का ज्ञान संस्कार रूप में सभी आत्माएं लेकर जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर वो आकर अपने उस ज्ञान के आधार पर अपने अपने धर्म की भी स्थापना करने के निमित्त बनती हैं। तो वो जो गीता का ज्ञान आके सुनाते हैं
वो मेरे द्वारा जितना उन्होंने समझा था, जितना उन्होंने धारण किया था, वही आकर देते हैं। इसलिए क्योंकि मैं सबसे पहले आकर सिखाता हूं, मेरे द्वारा सिखाया हुआ ये ज्ञान पुराना होता है। और ये जो संगम सतयुग चलता है, ये दुनिया के गिरने वाला समय चलता है। सतयुग को हम पहला कहते हैं। अब हालांकि कृष्ण तो संगम पर जन्म ले लिया, तो कृष्ण वो पीक थी जहां मैंने उसे पहुंचा दिया, और उसके बाद लक्ष्मी नारायण बनने से तो उसका गिरना शुरू हो जाता है जो प्रैक्टिकल में। तो बाबा कहते मैं आके सबसे पहले सिखाता हूं, फिर उसको सीख कर जाने से जितना होता है वो धीरे धीरे गिरते जाते हैं। जितना सीखा वहां से गिरना शुरू, जैसे नारायण गिरना शुरू तो द्वापर के धर्म पिताएं भी अपना गिरना शुरू करते हैं। बहन जी देखो मोटी सी बात बताई, बाबा ने कहा मैं आकर जब सारे बिल्कुल तमो प्रधान हो गए, तब मैं आकर सबसे पहले पावन बनाने का काम करता हूं। जो पहला पहला जन्म है हमारा, जिसको हम 21वां जन्म कहते हैं, वो पहला पहला जन्म डायमंड जन्म सबसे टॉप जन्म है, जब तुम मेरे बच्चे बनते हो। और उसके बाद जितने भी हैं सारे सबको डायमंड जन्म मिलता है, सबको पहला पहला जन्म बाबा के पास मिलता है। और उसके बाद आपको जन्म मिला, आपको डायमंड बनाया, गोल्डन बनाया, सिल्वर बनाया, कॉपर बनाया, आयरन बनाया, जितना तुम अपने आप को बना सकते थे बनाया। वो आपकी हाईएस्ट पीक थी, जिस पीक के साथ आप परम धाम में चले गए। और जब आप परम धाम में गए तो कल्प वहां से शुरू होता है चढ़ने का, परंतु जब मैं आता हूं, परंतु उसके बाद तुम आते हो तो गिरते हो, चढ़ते नहीं हो। फिर आपको सतयुग में आया, कोई त्रेता में आया, कोई द्वापर में आया, कोई कलयुग में आया, वो गिरा ही गिरा, पतित बना ही बना, चढ़ती कला उनकी नहीं हुई। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो आके सिखाता हूं, जितना तुम सीख कर जाते हो उसके बाद आकर वहां से तुम गिरना शुरू कर देते हो। चाहे इब्राहिम जितना सीख करके गाया, वहां से आने के बाद उसने गिरना शुरू कर दिया। नारायण जितना सीख कर आया, वहां से उसने गिरना शुरू कर दिया। इसलिए आरंभ मेरे से होता है, ना कि तुम्हारे से होता है, ना कि नारायण से होता है। हाँ, चढ़ाई भी आरंभ भी, हाँ, इसलिए बाबा कहते राजयोग पुराना है, क्योंकि वहां से राजयोग सीख करके नारायण भी बना, राजयोग सीख करके इब्राहिम भी बना, राजयोग सीख करके गुरु नानक भी बना। परंतु उन्होंने अपने अंदर धारणा 10% की तो गुरु नानक बन गया, 20% की तो वो जो है ना शंकराचार्य बन गया 30% वाला, और यदि 40% की तो क्राइस्ट बन गया, 50% की तो इब्राहिम बन गया, और 100% की तो नारायण बन गया। अब जो जिस परसेंट पर आया और उस परसेंट से आकर के गिरना शुरू कर दिया, इब्राहिम ने भी गिरना शुरू कर दिया, क्राइस्ट ने भी गिरना शुरू कर दिया, शंकराचार्य ने भी गिरना शुरू कर दिया, और गिर गिर करके जब लास्ट में पहुंचे तो परमात्मा ने उनको टॉप पर पहुंचा दिया। इसलिए एक मुरली में बाबा ने बड़ा क्लियर कहा कि श्री कृष्ण जब गर्भ में प्रवेश करता है उसका जन्म होता है और उसके कल्प का आरंभ होता है। लाइन समझ रहे हैं? मुरली, ये मुरली के शब्द मैं आपको दे रहा हूं कि कृष्ण की आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, मतलब चाहे ब्रह्मा की आत्मा को जब गर्भ में प्रवेश करती है उस समय उसका जन्म होता है, बाहर निकलने से नहीं। और जिस समय उसने गर्भ में प्रवेश किया वहां से उसका कल्प शुरू होता है। नारायण का कल्प शुरू होगा वहां से, कृष्ण का कल्प नारायण से शुरू नहीं होगा। कहां से शुरू होगा? जब उस आत्मा ने गर्भ में प्रवेश किया, और वन 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 शुरू होता है गिरती कला का कल्प।
और यहां से होता है कृष्ण का कल्प शुरू होता है यहां से, और शिव बाबा के पास जो कल्प पूरा होता है वो सबको बॉटम से टॉप पर पहुंचा के होता है। सभी आत्माओं को बॉटम से टॉप पर पहुंचाना, हरेक ने पहुंचना अपनी टॉप पर है, क्योंकि हरेक का टॉप अलग अलग है। ठीक है, संगम पर बाप सिखलाते हैं, बाबा ने समझाया है जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसी करती नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना, पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। पान का बीड़ा जानते हैं ना, जिम्मेवारी लेना। जितना तुम रुस्तम बनेंगे माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, ये तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए, हमको भी रावण को कहा हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं, गपोर कहानियां हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुने। हां जी, कल शाम को आपने बताया रुस्तम ने किसके साथ कुश्ती लड़ी थी। नहीं, किसके साथ लड़ी का मतलब नहीं, कुछ रुस्तम जो है एक मतलब नाम है पहलवान का। बात ये थी कि जैसे कुश्तियां होती हैं, कुश्ती चल रही थी, परंतु जो सारी कुश्तियों में सबसे विजयी हो गया उसने ओपन चैलेंज किया कि कोई मेरे से लड़ने वाला हो तो आए। आज तक कभी कुश्ती में उसने भाग नहीं लिया था रुस्तम ने, पहली बार अब करता रहा होगा, परंतु उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे हरा दिया। इसलिए उसका नाम रखा गया छुपा रुस्तम, कि ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई पहलवान है, तो वो छुपा हुआ आया, इसलिए उसका नाम छुपा रुस्तम जो है ना रखा गया। और वो रुस्तम जो है एक पहल, अब किसके साथ उसका हुआ था वो तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं है किस पहलवान के साथ, परंतु दारा सिंह बहुत बाद में आए, रुस्तम पहलवान पहले था। पहले किसी के लिए भी कहा जाता था, जैसे आज करके तू बड़ा दारा सिंह बना फिरता है, ऐसे पहले रुस्तम कहा जाता था, मतलब रुस्तम। ऐसे ही अफलातून भी एक है, जो अफलातून भी एक व्यक्ति हुआ, मतलब उसको अफलातून क्यों कहा गया, आजकल दुनिया में तू बड़ा अफलातून है, फिर ये शब्द भी, ये भी एक व्यक्ति हुआ, दार्शनिक हुआ, और ये भी जो है ना प्लेटो से भी पहले, सुकरात से भी पहले, मतलब सुकरात का भी गुरु समझा जाता है कि ये अफलातून उसको कहा जाता है, क्योंकि उनकी बातें सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं थी। मतलब उसके लिए जो एग्जाम्पल वहां मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि एक व्यक्ति ने आके पूछा कि मुझे ना रामपुर जाना है, कितना टाइम लगेगा, चल चल। वो बेचारा बोला भाई चल चल बे जाब ना, तो चल पड़ा। अब जब चला काफी थोड़ी दूर जाकर के, फिर उसको जाके बताया तेरे को वहां पहुंच रहे हो ना 1 घंटा 5 मिनट लगेंगे। कहता वहां क्यों नहीं बताया, कहता तेरी चाल का पता चले तो मैं कैसे बताऊं, तेरी क्या स्पीड है। मतलब वो ये ऐसे काम, मतलब अपना तू मतलब ऐसे कर सकते है ना काम। तो मतलब कहने का है कि खैर हम वापिस आए, ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे वो दंत कथाएं सुनकर एकदम पत्थर बन गए। भक्ति मार्ग में, क्योंकि झूठी कहानियां थी ना, भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गंवाया, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना, जो भी भक्ति की नीचे ही उतरे हैं, अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो, मेहनत है बहुत परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं, माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है ये करते हैं, ये ब्राह्मणी ऐसी है,
इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है, कोई का अवगुण ना देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखा तो मुंह मोड़ लो, कोई अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है ना, वे सुनते धारण करते रहो, बुद्धि से समझाना समझना है, ये बाबा की बात है। बिल्कुल ठीक है, जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी सेवा पढ़ाई से रूठना, कोया बाप से रूठना, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले आना चाहिए, चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबर वार तो है। ये भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, 4 बजे उठकर बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं, जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वो बच्चे पहले याद आते हैं। जो बैठते हैं ना बाबा को कौन याद आते हैं, जो अनन्य बच्चे हैं वो पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्यों को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहां भी बैठे हैं परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। बाबा किनको याद करते हैं, जो सर्विस करते हैं। लाइन समझ में आई है, याद करता है बाबा, झूठ बोलता है बाबा, क्या करे बाबा, बाबा याद नहीं करता। बाबा की याद क्या है, बाबा उन आत्माओं को सकाश देते हैं जो बाबा को खींचते हैं, बाबा को कशिश करते हैं, जो सवेरे सवेरे बैठकर बाबा से बात करेंगे कि आज इस पॉइंट पर मैंने सेवा करनी है, कैसे क्या क्या दूं क्या क्या करूं, पूछेंगे नहीं मतलब मंथन करेंगे, तो बाबा का जो वो उनको समझ में आएगा ना कि ये बात ऐसे समझानी है। ये सिर्फ हमें ब्लैकमेल करता है ऐसी बातें करके, मतलब बाकी बाबा याद नहीं करता, बाबा कुछ भी नहीं करता बैठे बैठे, सिर्फ जो बाबा को याद करेंगे तो उनको बाबा की बातें समझ में आएंगी। ठीक है, नहीं तो बच्चों को अहंकार ना आ जाए, बच्चों को अहंकार ना आ जाए कि मैं अच्छा मंथन कर सकता हूं, ताकि ये समझ रहे कि बाबा ही वो टचिंग देता है। बाकी बाबा के ज्ञान की टचिंग हर एक आत्मा के पुरुषार्थ पर निश्चित रूप से मिलती है, मतलब बाबा कराना चाहता है बस। तो बाबा किसी को भी याद नहीं करता, सिर्फ बाबा की टचिंग आती है, वो उंगली पकड़ में आ जाती है उस बच्चे के, जिस उंगली को पकड़कर वो अनेक आत्माओं को कल्याण करने के निमित्त बन सकता है। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा की याद मिलेगी, मतलब ताकत मिलेगी, समर्थ मिलेगी। बाकी बाबा को याद करने का मतलब है उंगली पकड़ना, और उंगली को पकड़ेंगे तो मिलेगा। हाँ जी, टचिंग भी यही है ना कि आप यदि बाबा की श्रीमत पर बैठकर सोच रहे हैं तो टचिंग हो रही है ना। आप जैसे मैंने सिंपल सा हम एग्जांपल ले सकते हैं, बच्चा स्कूल में गया है, सर ने मैडम ने बोर्ड पर उनको सवाल समझाया है, वो वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड में था, घर आकर बैठता है सवाल करने के लिए। अब सवाल एक सर ने समझाया होगा, 2 समझाए होंगे, 3 समझाए होंगे, परंतु मैथमेटिक्स का नियम है कि हर सवाल में एक जैसा नहीं होता, हर सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज करके सिखाया जाता है। 20 सवाल है मान लो एक प्रश्नावली के अंदर, तो 200 सवालों में कुछ ना कुछ नयापन जोड़ना पड़ता है, वरना तो क्या फायदा हुआ सेम सवाल करना है, तो कुछ ना कुछ नयापन आता है। तो वो नयापन तभी वो कैच कर पाता है, समझ पाता है, क्योंकि उसने 200 सवाल सोल्व करने हैं जब उसने वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड थी और उसे वो याद है।
अब वो उसे घर बैठकर कर रहा है तो उसको सर की बातें, मैडम की बातें सारी समझ में आती जा रही हैं, तो अगले थोड़ा सा डिफरेंट सवाल को भी वो सॉल्व करता है। मैथमेटिक्स हमारे जो ब्रेन का जो डिफरेंट सोचने का तरीका है ना, उसको डेवलप करता है कि आपको इतना बता दिया है, अब इसमें हमने ये डिफर किया, कैसे करोगे। तो ऐसे ही बाबा हमें मुरली से ज्ञान सुना देता है, आगे जाते हैं तो वहां डिफरेंट सिचुएशंस आती है, तो हम उन डिफरेंट सिचुएशन में सोच सकते हैं तब जब हम बाबा की श्रीमत के जितने भी नियम हमें समझाए हैं वो हमारे कंसेप्ट में क्लियर हो, वरना हम डिफरेंट नहीं सोच पाएंगे। डिफरेंट हमने अपनी तरफ से नहीं सोचा, बाबा की उस श्रीमत के द्वारा अगला स्टेप हमें टच किया। विज्ञान सुनेंगे तो बाबा की श्रीमत प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। अब ऐसे तो क्लास में बहुत सारे भाई बहन बैठे होते हैं पर तो कई तो कथा सुन रहे होते हैं, ठीक है इनकी कब वाणी खत्म हो और मैं उठूं और जाऊं, ठीक है ना। मतलब अब हां जी हाँ पत्थर बुद्धि तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहां ही नजदीक कोई घर में होंगे जो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। तो सब हाँ जी जब अमृत वेले मंथन करेंगे तो सूक्ष्म मंथन में जाकर मंथन करेंगे। देखिए जब आप आत्म स्मृति में आ जाते हैं, देह के भान को भूल जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक सूक्ष्म वतन में है, परंतु जब तक देह याद है, देह के संबंधी याद है या कोई भी दुनिया याद है तो हम अभी इस स्थूल वतन में है। जब बाबा और आप केवल संकल्प की दुनिया में आप हैं, आप सूक्ष्म वतन में है। तो, कोई मेहनत नहीं करनी वाणी, मैं क्या करूं बताओ, आज आप प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो, मैं क्या करूं मुझे बताओ, मैं तो खुद देख रहा हूं कि 7:15 हो गए हैं। चलो बाकी आप सुन हाँ हाँ जी अब सारे प्रश्न आज इस मुरली में पूरे करें, थोड़े कुछ और मुरली में पूरे कर लेंगे ना। हैं तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छे सर्विस करते हैं ये तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं। दो इंजन है ना, ये भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। बल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए, बाकी ये तो समझते हो कि ये दो बत्ती हैं और तो कोई में दो बत्ती नहीं है, दो आत्माएं नहीं है, इसलिए यहाँ दो बत्तियों के सम्मुख आते हो तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हो। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनवाई हैं, पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को जानते, गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वो सबसे गुण उठाते थे, तुम बच्चे भी नंबर वार दत्तात्रेय हो, यहाँ एकांत में बहुत अच्छा है, जितनी चाहो उतनी कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ता है, 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठे हो, पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है, यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है क्योंकि यज्ञ कि एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते।
जमाना बहुत डर्टी हो गया है, काम महाशत्रु है, वे सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारे तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, फिर ये है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा, तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करने से करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत तो संबत मिक्स कर दिए हैं। रावण अथवा रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वे चलता है एक से और 2500 वर्ष तक, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं, ये एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य माना सुधरे हुए, आर्य कहा जाता है सुधरे हुओं को। सतयुग में थे अन आर्य, अभी हैं। सतयुग में क्या थे? आर्य सुधरे हुए, अन आर्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छा पुरुषार्थी हैं वे खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहां तो दोनों लाइट इकट्ठी है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, एक बाप की और एक इस दादा की, दोनों जबरदस्त हैं। परंतु ये कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो, इस छोटी लाइट को मत पकड़ो। छोटी लाइट का नाम है चंद्रमा और बड़ी लाइट का नाम है सूर्य। सब बच्चे यहां भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सन्मुख सुनाते हैं, गायन भी है। तुम्हीं से सुनूं, तुम्हीं से बोलूं, तुम संखाऊं, परंतु ऐसे नहीं कि यहां बैठ जाना है, यहीं बैठ जाओ, ऐसे नहीं। 8 रोज काफी हैं बस। अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वे खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा भट से कहते हैं, अपनी को देखो, मेरे में क्या क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव रहना चाहिए, यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव रहना चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं, क्यों? क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। तब क्या हो सकेंगे? पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। किसी को भी पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुणों को धारण करना है, उठाना है। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है।
धंधाधोरी में रहते देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भाव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। ईश्वरीय सेवा का बंधन क्या है? नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते हैं उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। यहाँ जो आराम करते हैं वे वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। रजिस्टर रखा हुआ है बाबा ने ऊपर। हमें ना बुद्धू बना के चला जाता है, कहता है मैं तुम्हारा लिखता रहता हूँ। हर एक आत्मा में रिकॉर्ड है, हमें समझ में आ गया। नए नए बच्चे जो भगत आते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, भगवान के पास हिसाब किताब रखा होगा। स्लोगन, स्वय परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व को परिवर्तन करने से, करने द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।